हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दो तीन दिनों से मेरी छुट्टियां चल रही हैं, घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और जब शूट रहता है तब शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कि जब छुट्टी होती है ना तो समझ में ही नहीं आता कि सडनली अब क्या करें। बहुत खाली टाइम होता है हाथ में। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक DIY शेयर करने वाली हूँ। तो आप में से जो लोग मेरी मम्मी का चैनल नानी का पिटारा फॉलो करते हो उनको पता ही होगा कि मेरी मम्मी बहुत आर्टिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। वो रिसाइकलिंग में बिलीव करती हैं, कम से कम वेस्टेज करने में बिलीव करती हैं। थोड़े दिनों पहले हमारे घर के बाहर एक पेड़ टूट गया था। तो मेरी मम्मी ने कारपेंटर को बुलवा के उसमें से उसकी जो थड़ थी उसमें से ये ऐसे सर्कल्स काट दिए। तो आज हम ऐसे ये सर्कल्स का बनाने वाले हैं। कुछ ये आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर राउंड होता है। इसकी ब्यूटी ये है कि नेचुरल है 100% इसका शेप। जो हमने इसमें अभी तक कुछ नहीं किया है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉ। तो हम लोग ये 100% नेचुरल, 100% प्योर रिसाइकल्ड वुड में से आज बनाने वाले हैं DIY कोस्टर्स। चलिए मेरे साथ देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ अपने कोस्टर्स। सबसे पहले नीचे हम पेपर बिछा देंगे और ये जो वुडन कोस्टर्स हैं वो रफ है तो हमें इसको स्मूथ करना है। डॉट मंडला के लिए स्मूथ सरफेस चाहिए, नहीं तो सर्कल्स ठीक से नहीं होते हैं। तो हम इसे स्मूथ करेंगे। हम इसे ये जो है ये सैंड पेपर उससे हम उसको स्मूथ करेंगे और उसका डस्ट गिरेगा इसलिए हमने पेपर नीचे बिछाया है। ये 150 ग्रिट का है, इसे छोटे टुकड़े में काट लिया है ताकि उसको इस पर रब करके उसको स्मूथ करना ईजी हो। और इस लकड़े को हम अच्छे से घिसेंगे ताकि उसकी सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ हो जाए और हमारा कलर इसके ऊपर अच्छे से लगे। ये हो गए हमारे कोस्टर्स स्मूथ। अब मैं जो है इसके बेस में ये 016 ब्लैक कलर लगाने वाली हूँ और इसे हम अच्छे से पहले बेस में कवर करेंगे। ये मैंने एक हार्ड ब्रश लिया हुआ है, फ्लैट ब्रश है, और हम जो है ये ब्लैक कलर ये बाहर की रिंग में नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ये अंदर की रिंग में पहले लगाएंगे ब्लैक कलर। ये जो है हम अच्छे से थिक लेयर लगाएंगे ताकि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कुछ रह गया है अनइवन तो उसको भर दे और स्मूथ कर दे ताकि हमें एक इवन लेयर मिले। मेरे पास ये गोल्ड कलर पड़ा हुआ था, इसको मैं आउटर रिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ, मेटालिक गोल्ड। आपके पास जो भी कलर है या कोई और कॉन्ट्रास्टिंग कलर आपको यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा ये निकालूंगी और इसके लिए मैंने एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया हुआ है क्योंकि हमारा एरिया जो है ये वर्क करने का बहुत छोटा है, पतला है। तो थोड़ा थोड़ा कलर लेंगे और ऐसे धीरे से हम ये एरिया बाहर का जो है कवर करेंगे। ये हो गया रेडी। अब इसमें डिज़ाइन बनाने की बारी आई। तो मैंने ये एक्रेलिक कलर्स लिए हुए हैं, ब्लू है, एंड ये बॉटल वाली जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो मुझे परफेक्ट लगती है इसके लिए। तो ये ब्लू कलर लिया है, येलो है, रेड, पिंक, वाइट, सिल्वर, जो भी आपको कलर चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। इस डिज़ाइन में देखिए कि ये जो रेड, येलो, ब्लू और ये सारे कलर्स जो हैं वाइट, वो ज़्यादा उठ के दिख रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, तो इसलिए हम वैसे कलर्स यूज़ करेंगे। अगर आपका बेस जो है, जो मेरा ब्लैक है, आपका कुछ और है तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊंगी कैसे हम बिना डॉटिंग टूल्स के बना सकते हैं। ये ईयरबड्स हैं और ये हैं टूथपिक्स, इसकी हम दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं, ये मोटी साइड भी और ये पतली वाली जो पॉइंटेड साइड है वो भी। दूसरा ऑप्शन है ये ब्रश का एंड, अगर आपका राउंड और फ्लैट है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी क्रोशे नीडल है, क्रोशे नीडल का भी एंड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लैट एंड राउंड है, कोई भी सरफेस जो फ्लैट राउंड है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको डॉटिंग टूल्स चाहिए तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये जो कलर्स हैं मैं थोड़े थोड़े निकालूंगी ताकि सारे ड्राई ना हो जाए। सबसे पहले ये ईयरबड लिया और उसको हल्का सा टच किया वाइट कलर में, और इसको अब हम सीधा रखेंगे, एकदम 90 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए आपका, बिल्कुल स्ट्रेट, और हल्के से टच करना है, उसको बहुत ज़ोर से दबाना नहीं है, नहीं तो आपका कलर जो है वो स्प्रेड होगा। अगर आपका सर्कल एक बार में ठीक से नहीं हुआ तो फिर से हल्का सा थोड़ा कलर लीजिए और एक बार और उसके ऊपर हल्के से टच कीजिए तो आपका प्रॉपर सर्कल हो जाएगा। अब मैं लूँगी ये टूथपिक, टूथपिक का जो फ्लैट साइड है वो हम पहले यूज़ करेंगे। सेम वे हल्का सा ब्लू में टच कीजिए, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है हमको कलर में उसका, खाली जो सरफेस है ऊपर का वो टच होना चाहिए कलर में, और आपके कोस्टर पे भी उसको बिल्कुल 90 डिग्रीज में रख के हल्का सा टच करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। अगर आपकी सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो कलर प्रॉपर नहीं लगेगा, तो वो राउंड नहीं बनेगा। हर बार आपको फिर से डिप करना है, फिर से बनाना है, और जब आप ऑपोजिट साइड पे जाओ तो ऐसे उसको घुमा लीजिए तो वो इजी हो जाता है। मैं बहुत स्टेबल नहीं हूँ ड्राइंग में, इसलिए मुझे ये ऐसे टर्न करके करना इजी पड़ता है। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कलर है वो हम साफ करके उसको साइड में रख देंगे ताकि उसी के ऊपर सूख ना जाए, नए कलर के लिए नया टूथपिक लेंगे। अब सेम वे हल्का सा उसमें डिप करें और सेंटर में सबसे पहला डॉट कीजिए, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना अच्छा होता है, तो आपकी सिमेट्री बनी रहती है डिज़ाइन की, और फिर लेफ्ट और राइट के। अब जो है पहले हमारे ब्लू डॉट्स 3 थे, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच में हम 2 डॉट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हमारी डिज़ाइन जो है वो बड़ी होती जाएगी। अब ये ईयरबड की दूसरी साइड हम यूज़ करेंगे दूसरे कलर में, ये ब्लू का डॉट मैंने बीच में कर दिया सबसे पहले। ये क्योंकि प्रॉपर सर्कल नहीं है इसलिए मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर सर्कल है या आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ये कोस्टर के सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि राउंड हो, अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड है आप उसमें से स्क्वेयर्स भी बना सकते हो, स्क्वेयर कोस्टर्स बना सकते हो, किसी रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पे या कैनवस पे भी हम डॉट मंडला कर सकते हैं और उसे एक वॉल हैंगिंग या एक पेंटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जो है हम ये टूथपिक की पॉइंटेड साइड यूज़ करने वाले हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पॉइंटेड साइड में हम इसको कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं जिसमें डॉट्स धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ना सेंटर में डॉट बनाना है और इसको फिर से डिप नहीं करना, आपको बस उसी लाइन में 3-4 डॉट्स बनाने हैं। एक सेंटर में डॉट बनाया, फिर 3-4 डॉट्स साइड में बनाए, फिर उसे कलर में डिप किया, फिर सेंटर से स्टार्ट किया, फिर 3-4 डॉट्स साइड में बनाए। तो ऐसे आप बड़े से धीरे धीरे छोटे होते हुए डॉट्स की डिज़ाइन बना सकते हो। आपको स्टार्ट सेंटर से करना है और फिर राइट साइड पर नीचे डॉट्स करने हैं, फिर आपको स्टार्ट वहीं सेंटर से करना है, और अगर एक्स्ट्रा कलर आए तो उसको निकाल दीजिए और फिर सेंटर से स्टार्ट कीजिए एंड डॉट्स बनाएं। अब नया ईयरबड लिया हमने और फिर से सेंटर से स्टार्ट करना है, हर बार आपको कलर में डिप करना है, बहुत ज़्यादा कलर में डिप नहीं करना, नहीं तो आपके सर्कल्स जो हैं वो अनइवन होंगे ज़्यादा कलर आ गया तो, और कोस्टर पे भी 90 डिग्रीज में सीधा रख के हल्का टच करना है उसको, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो कलर स्प्रेड हो जाएगा। और अब हमारी ये डिज़ाइन बढ़ रही है, तो पहले हमारे ब्लू के 3 डॉट्स थे, अब ये 4 हो गए, ये हमारी डिज़ाइन धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। अब ये ग्रीन कलर जो है मैं थोड़ा सा ही यूज़ करने वाली हूँ, डार्क ग्रीन, और इसलिए मैं उसको सिर्फ कैप में से यूज़ कर रही हूँ, उसको पैलेट में नहीं निकाल रही।
अगर आप ज़्यादा देर उसको ओपन रखोगे तो आपका कलर सूख जाएगा। अगर आप जल्दी कुछ करने वाले हो तो ही ये टेक्निक यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कलर को प्रॉपरली निकालें और फिर उसे यूज़ करें। अब मैं आपको दूंगी डॉट मंडला की एक विशेष टिप। जब भी आपका अगर डॉट सही से ना बने, आपका सर्कल सही से ना बने, या कलर गलत लग जाए, या जो भी प्रॉब्लम हो, आप उसको तुरंत ना निकालें। आप वेट कीजिए कि वो ड्राई हो जाए, उसके बाद टूथपिक की जो पॉइंटेड साइड है उससे आप उसको निकाल सकते हैं। फिर आप चाहें तो उसको बेस ठीक करके नया कलर लगा सकते हैं या वापस कलर कर सकते हैं, लेकिन आप वेट करें कि वो ड्राई हो जाए, नहीं तो कलर स्प्रेड होगा। ये टिप जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत हेल्प हुई थी इससे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती ही हैं। अब जो है मैं ये टूथपिक का फ्लैट साइड लूँगी और ये वाइट कलर ड्राई हो गया है उसके ऊपर बीच में मैं ये ग्रीन डॉट्स बनाऊँगी। इस तरह से आप बड़े डॉट्स के ऊपर छोटे डॉट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना होगा कि वो पहले ड्राई हो जाए। ड्राई नहीं होगा तो आपका कलर स्प्रेड होगा, मिक्स होगा, दोनों कलर ब्लेंड हो जाएंगे, तो आप बड़ा वाला आपका डॉट ड्राई हो जाए उसके बाद छोटे डॉट्स बना सकते हैं। ये तो डिज़ाइन बहुत अच्छी उभर के आ रही है, और अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी डिज़ाइन ख़त्म हो चुकी है और अब मैं ये टूथपिक की पॉइंटेड साइड लेके वाइट कलर में डिप करके ये बस रैंडम वाइट स्पॉट्स बना रही हूँ, छोटे छोटे क्लस्टर्स बना रही हूँ। जहाँ पे भी आपको लगे खाली जगह है, थोड़ा और भरने की ज़रूरत है एंड में, तो आप ऐसे किसी भी कलर से आप ऐसे वाइट डॉट्स कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक कलर भी लगा सकते हो ताकि इसके कलर्स ठीक रहें। तो ये हो गए हमारे कोस्टर्स रेडी। ये हैं मेरी डिज़ाइंस। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ ड्राइंग और पेंटिंग में, लेकिन ये जो डॉट मंडला है वो मुझे इतना अच्छा लगता है, इट इज़ सो थेरेप्यूटिक कि मन शांत हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है अगर कोई स्ट्रेस हो तो, और टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ ये सब ट्राई करेंगे और मुझे बताना कि अगर आपने डॉट मंडला ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। डॉट मंडला आप सिर्फ वुडन पे नहीं, आप किसी भी सरफेस पे कर सकते हो। आप अपने मग्स उसको डेकोरेट कर सकते हो, कोई भी शोपीस आप अगर आपका कोई टेबल टॉप है उसको डेकोरेट कर सकते हो, पेपर वेट को डेकोरेट कर सकते हो। अच्छे अच्छे स्टोन्स जो होते हैं वो स्टोन्स आप अपने गार्डन से पिकअप करके उसको अच्छे से पहले एक ब्लैक कलर या कोई भी एक न्यूट्रल कलर नीचे लगा दीजिए, ब्लू आपको जो भी पसंद है वो, और उसके ऊपर आप ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर से डॉट मंडला कर सकते हो, एंड इट्स वेरी नाइस एंड वेरी थेरेप्यूटिक, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड अंटिल नेक्स्ट वीक, बाय एंड टेक केयर।